अलावा कोई सॉन्ग को लेके? नहीं नहीं, आई थिंक दो या तीन ही सॉन्ग है मूवीज में, तो सॉन्ग्स का मेरे को इतना नहीं मालूम, लेकिन मूवी एकदम खतरनाक है, आप लोगों को देखनी ही चाहिए। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कैसा लगा? बेट मतलब फर्स्ट हाफ अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको लगता है सेकंड हाफ तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत सस्पेंस था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो आपको देख क्लाइमैक्स बेस्ट। शाहरुख खान के किरदार को 5 में से कितना स्टार? 4.5। जॉन आई थिंक मुझे मूवी में सिर्फ वो विलन का एक रोल प्ले किए, तो आई थिंक 4 out of 5, 6 सही रहेगा। 4.5 बेस्ट मूवी, थैंक यू। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट मूवी, सुपर मूवी, इट वाज अ ग्रेट मूवी। शाहरुख खान इज बैक गाइस, शाहरुख खान इज बैक। कैसा था उनका किरदार? बहुत बहुत अमेजिंग। मैं अगर आपको बता दूंगा थोड़े स्पॉयलर्स आ जाएंगे, बट ही वॉज बैंग ऑन। इतना अच्छा था कि, और सलमान खान तो लाइक चेरी ऑन द टॉप था, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बेहतरीन लुक किसका लगा तीनों कलाकार से? सबसे बेस्ट तो ऑफकोर्स शाहरुख खान ही था, उन्होंने जो बॉडी में अपना काम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन उनका वॉज वेरी वेरी गुड। आई थिंक जाना चाहिए सबको अपने फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए। 5 में से मैं 6 देना चाहूँगा, प्लस 1। सिनेमाटोग्राफी वॉज गुड, एडिटिंग वॉज गुड, स्टोरी वॉज सुपर्ब। जॉन अब्राहम ने तो कमाल ही कर दिया। आई थिंक उससे बेस्ट विलन अभी है नहीं कोई इधर। दीपिका वॉज सो हॉट, लाइक बहुत अच्छा काम किया है सबने, बहुत अच्छा काम किया है। बॉलीवुड ने अभी अपने बार सेट कर दिए हैं, लाइक आई डोंट थिंक कि अभी इससे बेस्ट कोई एक्शन मूवी अभी है फिलहाल के लिए। सो आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट। Of course, 5, yeah. There's no question, yeah. John and Deepika. मैं पूरी मूवी के हर एक किरदार को 5 स्टार ही देना चाहूँगा। और पूरी मूवी को कितने स्टार? Of course, मैंने बोला आपको 6। Plus one for me, yeah. I'm best, Shahrukh Khan. Shahrukh Khan की मूवी पठान कैसी है? रुको, जिंदा है और जाओ आप भी देखो, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ काम धंधे नहीं है, जाके अंदर देखो मूवी, खतरनाक बोलता। क्या क्या कुछ अच्छा लगा पठान में? भाई सलमान भाई है, शाहरुख सर है, मूवी तो मूवी है भाई, जाके देखो सच में। कोई ऐसी बात जो काफी अच्छी, गाने काफी बेहतरीन थे? ओ मतलब जानबूझ के मतलब ये रहता है, बट मतलब मूवी खतरनाक है। 5 में से 10। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मूवी वॉज एक्सेलेंट, बहुत अच्छा था। सलमान खान की एंट्री वॉज वेरी गुड, डैम इंटरेस्टिंग, सीरियसली। शाहरुख खान का किरदार बहुत अच्छा लगा, दोनों का कॉम्बिनेशन वॉज वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग, दैट्स इट। बहुत ही अच्छी मूवी थी, एंड जितना विवाद हो रहा था ना, एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है, इट वॉज जस्ट रूमर्स, पूरी भारत माता पे बनी हुई, भारत माता की जय। या बोथ द हनी, फर्स्ट हाफ वॉज अ लिटिल बिट बोरिंग, बट द सेकेंड हाफ स्केलिंग इट वेरी नाइस, वेरी बहुत अच्छा, ऑसम। सॉन्ग्स तो जितना बोल रहे थे, न्यूडिटी है ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट इवन अ स्मूच इज देयर, नॉट इवन अ किसिंग सीन इज देयर, इट्स रियली नाइस। 5 out of 5। सर मूवी वाक्य में ही बहुत अच्छा पैक है, सर मूवी वाक्य में बहुत अच्छा पैक है, देखने लायक है सर, फुल वसूल है पैसा सर, कोई टाइम बोरिंग नहीं करता सर, वाक्य में एक अच्छा पैक है। बोलते हैं कि अपनी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो चीज़ हम माननी चाहिए कंपेयर टू साउथ बैक चल रही है, काफ़ी मूवी बाहुबली, KGF, पुष्पा, जो उनका जो एक सीक्वेंस दिखाया गया है, VFX है, उनमें एक खोवा है, बोलते हैं ना कि बिल्कुल खोवा है, वही खोवा ही कम्प्लीटली पठान में दिखाया गया है सर। क्या VFX है सर, लाइक कंपेयर टू सेम बाहुबली को, बाहुबली तरह VFX है सर। काफ़ी तीन कलाकार है, सबसे बेहतरीन कलाकार सर, सबसे बेहतरीन तो सर शाहरुख सर ही हैं, देन सलमान का भी अच्छा सीक्वेंस था शाहरुख खान के सर साथ, जो फाइटिंग सीक्वेंस होता है, देन जो अब्राहम का अच्छा है सर, लाइक दीपक कपूर ने अच्छा रोल निभाया, लेकिन सर जो VFX अप टू द मार्क है सर, जो शाहरुख सर के साथ और सलमान का एक कॉम्बो फाइटिंग सीक्वेंस होता है सर, उस पर जो VFX दिखाया गया है सर, वाकई में सर लाजवाब है सर।
सर 5 में से मैं 4.5 स्टार दूंगा सर। जो बारीकी से काम करा गया है ना, आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उस चीज़ को दिखाया है, उस हद तक को मतलब उस तक अप्रोच दिखाई है, बहुत ही बारीकी से काम कराया गया है और वो चीज़ दिखी है। आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनेगी। ठीक है, ओके। It's an amazing movie. Everyone should go and watch in the theaters. I've literally gone for first day, first show. There's something that made me go. Yes. And what would you like to say about the first half, second half, which half first best? The whole movie was amazing. There's nothing such specific. Three celebs, three alag kirdar the. सबसे बेहतरीन कलाकार कौन लगे? Obviously शाहरुख खान, because he is my favorite. But overall सारे लोगों की acting अच्छी है. शाहरुख खान का look काफी different है इस और yes. 4 साल के बाद comeback. पांच साल के बाद अगर कुछ बात करें उनके किरदार के बारे में, किस तरह का किरदार था? थोड़ा बहुत ही नया किरदार था. He has come back with a bang. That's yes. all I want to say. And songs की मैं बात करूँ, songs are really good. Favorite song theater में सबसे अच्छा? दोनों song मुझे बहुत पसंद है, झूमे जो, पठान, बेशरम रंग, both songs are really good. एक आखिरी सवाल, 5 में से कितने stars देना चाहूँ शाहरुख खान की एक्टिंग को? Obviously I'll give 5/10. And what about दीपिका? And everyone is great. Overall movie को कितने stars? Full stars. Thank you. I feel the movie is really good. It's a really good movie. I was expecting something like this because King Khan has arrived after 4 years, so it has to be a good movie. And I was completely in an awe when he came to the फर्स्ट टाइम उसकी जब एंट्री हुई, सो आई वॉज इन नॉ कि मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि शाहरुख खान को इन दिस अवतार एंड द फर्स्ट लुक ऑफ हिम थ्रू हिज आईज, इट वाज ब्रिलियंट. लाइक आई कैन नॉट सीखने की बात ये थी कि लाइक दिस वाज द दिस अ फिल्म विच इज़ अबाउट पेट्रियटिज्म, वॉर की जैसे फिल्म ही है लाइक, बट थोड़ा डिफरेंट अब वॉर से. बट यहाँ पे एक सोल्जर किस हद तक जा सकता है अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए, अपने आप को मतलब किस हद तक जा सकते हैं, वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है. और जो लेवल का सैक्रिफाइस हमारे सोल्जर्स करते हैं, वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट. लाइक हमें तो जितना पता चलता है, लेकिन रॉ में ये सब जगह क्या क्या होता है, सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से प्रेजेंट. सेकेंड हाफ मेरे लिए सेकेंड हाफ वर्क्स फॉर, फर्स्ट हाफ भी अच्छा था बट सेकेंड हाफ वॉज बैंग ऑन. क्लाइमैक्स वॉज ब्रिलियंट. सॉन्ग्स तो चार्टबस्टर है, वो तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है. और वो जो कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह, आई डोंट फील कि वो कुछ करेक्ट है, बिकॉज यहाँ इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक इसमें उल्टा इंडिया को अच्छे मतलब पॉजिटिव लाइट में अच्छे से दिखा रहे हैं, सो आई डोंट फील कि इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सी के लायक कुछ भी था. बट आई एन्जॉयड द मूवी, थरली एन्जॉयड. 4.5. यहाँ देखें सर, मूवी वॉज जस्ट अबाउट एवरेज. शाहरुख खान को इतने साल बाद स्क्रीन पे देख के बड़ा मजा आया. करीबन आई थिंक 4 साल हो गए, 7:30 बजे अगर इतनी भीड़ लगी है, दैट स्पीक्स फॉर हिज स्टारडम. मज़ा आया, वो एक्सपीरियंस देख के बहुत मज़ा आया. जब चीखें थी, चिल्ला रहे थे लोग, एक्सपीरियंस अपने आप में था. फिल्म में कुछ ज़्यादा मज़ेदारी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लगी सर. दोनों ही उतने ही ढीले लगे मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ नहीं, जेनरली दोनों उतने ही ढीले लगे थे, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं थी बांधने के लिए. अगर कोई धागा ही नहीं आपके पास पिरोने के लिए, तो चाहे ड्रेस ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, पूरी की पूरी बेकार ही लगेगी. सॉन्ग्स तो सर जस्ट अबाउट एवरेज. शाहरुख खान का किरदार से ज़्यादा देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ जैसे स्टोरी नहीं है, पटकथा कोई है ही नहीं, तो पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कैरेक्टर के आपको कुछ नहीं मालूम. हम जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, वी वर सेलिब्रेटिंग द स्टार शाहरुख. एंड यस, शाहरुख खान को एज अ स्टार देखने में तो मज़ा ही आ रहा था. मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर बिल्कुल ही भद्दी होती तो शायद मैं भग गया होता, बट अगर मैं यहाँ बैठा हूँ बता रहा हूँ तो वहाँ शाहरुख क्लाइमैक्स तो सर आपको देखना चाहिए. वो आखिरी के 10 मिनट ही सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उसी में आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा बांधा जाता है. देयर इज अ सरप्राइज कैमियो इन दिस फिल्म, आई होप मालूम पड़ गया लोगों को, या नहीं पड़ा या पीपल नो दैट. तो वो जो लास्ट के 10 मिनट है वो तो समा बांध देते हैं. एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जॉन एज अ विलन क्या हो रहा था सर? जॉन एज अ विलन, बल्कि उनकी शुरुआत जॉन एज अ विलन धूम से ही हुई थी, यू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर. एंड वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे कि मुझे आज भी याद है कि उनके पोस्टर लगाए जाते थे अलमारियों में, मुझे एटलीस्ट मैंने लगाया हुआ था एक पोस्टर, तो वो चीज़ मुझे याद है. बट इस टाइम क्योंकि वो स्क्रीन पर इतना आ जा ही नहीं रहे थे, एंड उनकी कोई केमिस्ट्री थी नहीं शाहरुख के साथ, एक हीरो विलन की भी होनी चाहिए राइट, तो वो केमिस्ट्री नहीं थी तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा. बट ओवरऑल पीपल लुक गुड, शाहरुख खान लुक्स ग्रेट, शाहरुख खान एक्ट्स ग्रेट, दीपिका लुक्स ग्रेट, जॉन आल्सो लुक्स ग्रेट. बट वही पटका था कि जिसकी मैं
बात कर रहा हूँ वो नहीं था, दो करीबन। बट आप अगर हॉल में देखना चाहते हैं अनुभव के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इतने समय बाद हिंदी फिल्म के लिए लोग भीड़ आवामपुरी आ रही है, तो उसके लिए तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। ये मूवी अगर मैं बोलूँ तो ये एसआर के फैंस के लिए है, तो ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एसआर के फैंस के लिए है। मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा यू नो लाइक थोड़ा सा स्लो लगा, और मूवी और स्टोरी काफ़ी मेरे को प्रेडिक्टेबल भी लगी कि यू नो समझ आ रहा था कि ओके दिस आफ्टर दिस इज़ गोना हैपन, तो वो हुआ। ओवरऑल अगर एक्शंस की बात करूँ, जो एक्शन कॉम्बैट्स थे, फाइटिंग कॉम्बैट्स थे, वो सुपर्ब थे। VFX also was good, but overall ठीक है। एक स्पाई मूवी है, आप कोई भी स्पाई मूवी देखोगे तो आपको वो सेम ओल स्टोरी देखने मिलेगी, एक जवान अपने देश को बचाने के लिए मिशन में, सेम ओल स्टोरी, नथिंग न्यू। डायरेक्शन वाइज बिकॉज थ्री मेन कैरेक्टर्स इन द मूवी, थ्री डिफरेंट ह्यूज स्टार्स इन द मूवी, हाँ जी। डायरेक्शन वाइज कैसा था? डायरेक्शन अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो हाँ, डायरेक्शन अच्छा था। जो एक्शंस जो सीक्वेंस थे वो मुझे अच्छे लगे। ओवरऑल ओके इट वॉज गुड। सॉन्ग्स को लेके सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा? सॉन्ग्स को लेके कंट्रोवर्सी काफ़ी चली थी, लेकिन मुझे ऐसा मैं मूवी में भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि कंट्रोवर्शियल था। बेकार में बॉयकॉट गैंग ने मतलब दिमाग ख़राब कर दिया था, और वो सॉन्ग बेशरम रंग ऑन दैट ऑरेंज बिकिनी हमें देखने मिला and, वो काटा नहीं। क्लाइमैक्स सुपर्ब था, क्लाइमैक्स में ही तो मैं फुल ऑन मार्क्स दे सकती हूँ क्लाइमैक्स के लिए। और सलमान की मैं फ़ैन हूँ, तो हाँ मैं आई एम लाइक अवेटिंग कि कब सलमान को भी टाइगर में देखने मिले वापस। टाइगर जिंदा है आने वाली इसी साल। सो 4 out of 5 वही स्टोरी मेरे को थोड़ा स्टोरी में थोड़ा सा हाँ, अगर स्टोरी अच्छी होती तो बहुत। थैंक यू So what would you like to say about Pathaan? Love you, Shahrukh. आई थिंक मुझे मूवी बहुत पसंद आई। फर्स्ट हाफ हालांकि मुझे थोड़ा सा स्लो पेस लगा और लग रहा था कि स्टोरी, बट सेकेंड हाफ आते आते इट गोज टू अनदर लेवल, और क्लाइमैक्स आते आते तो वो बहुत बड़ा धमाका। शाहरुख खान का बहुत सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे, 3-4 साल हो गए। हम लोगों ने DDLJ पता नहीं कितनी बार देखी है, उनकी जो भी मूवीज़ हैं बहुत ही, बट ये कि उनकी लुक बहुत डिफरेंट है ये मूवी में, और यूजुअली रोमांटिक मूवीज़ करते हैं, ये मूवी एक्शन है तो उनकी लुक बहुत डिफरेंट है, उनका रोल बहुत ही उम्दा है, और एज ऑलवेज ही इज़ मार्वलस, माइंड ब्लोइंग, फिनोमिनल इन हिज रोल एज पठान, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। बहुत बढ़िया उन्होंने अपने रोल निभाया। साथ में दीपिका पाडुकोन के स्टंट्स, शी लुक्स वेरी सेक्सी, वेरी सेंशुअस एंड वोलप्शियस इन हर रोल। एंड जॉन इब्राहिम का जो लुक है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मतलब फिजीक वगैरह। और एक फ्रेम में जब भी शाहरुख और जॉन आए, जॉन आउटफिट एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नेगेटिव रोल है, और बहुत बढ़िया एक्शन सीन्स हैं, बहुत ही धमाकेदार, और सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया, जो दुबई के सीन्स हैं, सचित पोलोस जो सिनेमेटोग्राफर हैं, और उसके साथ एडिटिंग क्रिस्प है। 2.5 घंटे की मूवी, कहीं भी कोई रैंडम सीन नहीं, स्ट्रेच नहीं, हम लोग शुरू से लेकर एंड तक एंटरटेनिंग है, इन्जॉयबल है। सीटियाँ तालियाँ बज रही थी, ऑडियंस को बहुत पसंद आई, और उसके साथ साथ कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है, जैसे बेशरम रंग हो या झूमे जो पठान, हालांकि झूमे जो पठान एंड में आया, मुझे लगता है वो बीच में होना चाहिए था। और सेकेंड हाफ में क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है, और जब सलमान खान सेकेंड हाफ में आते हैं तो इट गोज़ टू अनदर लेवल, क्योंकि शाहरुख और सलमान एक फ्रेम में, तो आई थिंक इट्स अ मैग्नस ऑपस परफॉर्मेंस ऑफ शाहरुख खान, एंड ही हैज़ अराइव्ड, ही इज़ बैक, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिद्धार्थ आनंद, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यशराज फिल्म्स, एंड कुडोज टू शाहरुख खान की वो एक बार फिर से उनका इतना बड़ा कमबैक आया है। लास्ट सवाल, 5 में से कितने स्टार्स? आई विल गिव 3.5 स्टार्स। सिर्फ मुझे लगा एक दो एक्शन सीन्स ओवर द टॉप हैं, थोड़े अनरियलिस्टिक हैं, बट ठीक है, आई थिंक वो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं, और बाकी स्टोरी थोड़ी सी और एंगेजिंग हो सकती थी, बट नेवरदलेस आई विल गिव 3.5, इट्स अ मस्ट वॉच, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें तो लूट लिया सुपरस्टार शाहरुख खान ने, एंटरटेन किया है फर्स्ट डे प्यारे पठान ने। पठान ने बहुत एंटरटेन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के देखेंगे ये फिल्म भाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सारी बातें अच्छी, क्योंकि शाहरुख खान और ऑडियंस दोनों का जो रैपो है बहुत प्यारा है। ऑडियंस शाहरुख खान को समझती है, शाहरुख खान ऑडियंस को समझते हैं। आप देखिए इस फिल्म में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो जो रिक्वायरमेंट
फिल्म में होना चाहिए, चाहे वो VFX हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे कैची सॉन्ग हो, चाहे कैची डायलॉग हो, ये मत पूछो कि देश ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये कहो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस टाइप के जो डायलॉग है, रॉ की स्टोरी, एक अलग दुनिया में आपको ये फिल्म ले जाती है। और मुझे लगता है कि जो बायकॉट टीम है उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए कि बायकॉट की कमाई धमाई तो हो गई होगी, अब ज़रा शाहरुख खान की भी कमाई करें, ये फिल्म को देखे और देखने के बाद में थोड़ा सा महसूस करे कि यार हम किस गलत ट्रैक में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सल्लू भाई, और ये तो ओपन करूँ के बात, शाहरुख खान और सलमान भाई ने एंट्री क्लाइमेक्स में ये दिखा दिया, बता दिया आपस में कि यार सब कुछ बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा हम पे ही जिम्मेदारी। भाई देखिए, एज ए शाहरुख फैन मैं तो कहूँगा 5 में से 5 ही दूँ, बाकी आप सब देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ इसलिए फिल्म को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ बुराई दिखी नहीं फिल्म में। अगर आप लोग को लगता है कुछ है तो देख दीजिए, वैसे KRK ने कितना अच्छा काम किया, सॉरी SRK ने कितना अच्छा काम किया, KRK बता ही देंगे। मुझे लगता है KRK भी पहली बार जीवन में अच्छा रिव्यू देंगे इसी फिल्म का देंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग फिल्म है पठान, मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉय जबरदस्त। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।